अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। हक सच दी करनी है गल यारो, झूठा लफ्ज ज़बान चो कढ़ना नहीं। दिलों लानी है यारी हुज़ूर दे नाल, लाके बूटा प्यार दा वढना नहीं। ते जो मंगना है रब कोलों मंगना है, पल्ला गैर दे अगे अड्डना नहीं। दुनिया रुसदी है आबिद रुस जावे, बूहा रब करीम दा छड़ना नहीं। हर किस्म की हमदो सना अल्लाह जल्ल शानहू दी ज़ात अक़दस वास्ते है। दरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आख़िरीन, इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाती अक़दस अतहर आला और बाला वास्ते ते 4 माह कबल या इस तो में कुछ अर्सा ज्यादा होगा, जू न्यूज से एक खबर आई। आज भी तुसी सर्च करो तो खबर तो मिल जाएगी, मेरे को खबर महफूज है। खबर ऐसी कि एक 16 साल की बच्ची ने अपने बाप को गोली मार के कत्ल कर दिया। जदों पूछा गया कि तू अपने बाप को क्यों मारिया, तो उन्हें जवाब अंदर एक गल आखी कि मेरा ताल्लुक सी किसी लड़के ना मिले, और मेरा बाप रोकदा सी मना करदा सी, मेरे बाप को अच्छा नहीं सी लगता, मेरा बाप मेरे ते पाबंदी लगाता सी और मेरे बाप की पाबंदी मैनू मंजूर नहीं सी। रात के वक्त मेरे अब्बा जी सुते पैसन घर दे अंदर पिस्टल पिया सी, मैं पकड़ के आपके वाल साहब गोली मार दी। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात जेडे ने होते इस तरफ जा रहे और एक बात याद रखो कि औलाद जदों भी बिगड़ती है ना, ठीक है मुकद्दर भी नहीं तकदीर भी है, लेकिन ये बात भी कन्फर्म है कि औलाद को बिगाड़न अंदर ज्यादा नहीं तो 50% हाथ मां बाप का भी होता है। साड़ियां सुस्तियां और साड़ा बहुत ही शरीयत तो भी अलग अलग साड़ी औलाद का मोहब्बत जी है और सानू ये नतीजा बखा दिए कि साड़ी औलाद ही साड़ी नाफरमान हो जाए। मेरे मुहतरम भाइयों, अगर असीं कुरान और हदीस नूं वेखिए गौर करिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद की तरबियत के हवाले नाल कुछ उसूल बयान किए। अगर असी उन्होंने उसूलों के मुताबिक तरबियत करिए कि मेरे ख्याल अंदर ऐसी नौबत नहीं आती। वो काफ़ी सारे उसूल ने, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ कोशिश करांगा कि उन्होंने विचों 5 उसूल वो भी सिर्फ 50 उसूलों के विच कह लो कि हेडलाइन दे के जल्दी जल्दी थोड़े सामने जिक्र करके थोड़े को इजाजत चाहां, क्योंकि मेरे तो बाद प्रोफेसर जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह तआला उन्होंने भी तफसील खिताब होएगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, औलाद की तरबियत वास्ते सब तो पहला उसूल जिहड़ा है वो है नेक बीवी। केड़ी बीवी? नेक बीवी। क्योंकि मामला बड़ा मारूफ है कि पहली तरसगाह जिहड़ी है ना वो मां की गोद है, लिहाजा पहली तरसगाह को दुरुस्त करो। जो पहली दर्शगाह ही ठीक नहीं होएगी तो फिर अगले मामला किवें ठीक होएगा। इस वास्ते पहली दर्शगाह के लिए ओदा दुरुस्त होना जरूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर की फरमाया, अल्लाह ने अपने नेक बंदियां दी खूबी का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे नेक बंदे ने ना वो मेरे को दुआ करते, मेरे को दुआ दे की मंगते ने सुनना दादा। मेरे को तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीनाए नादर होने वाला अल्लाह का कुरान बयान कर दे। फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर भाया मेरे नेक बंदे दुआ कर देने और दुआ अंदर की कह देने रब्बाना ऐसा परवरदिगार हब लना सानू अता फरमा ज़ुर्रिय्यातिन अज़वाजिना बीवियां व ज़ुर्रिय्यातिना और फिर उन्हां बीवियां दे विचों औलाद किवें दी क़ुर्रता आयुनिन औलाद भी इंज दी होवे उन्हां नूं देख के साडियां अखां ठंडियां हो जाण, साडियां अखां नूं सुकून मिल जाए। बड़े तो बैक पर नमाजी होएगा और आज खुद ब खुद नमाजी बढ़ जाएगी। लिहाजा औलाद की तरबियत का पहला उसूल कि बीवी नेक होनी चाहिए है, माँ बाप चंगे होने चाहिए ने, माँ बाप बदाते खुद कुरान तो वाकफ होने चाहिए ने। अल्लाह मैं ना एक फेसबुक पर एक वीडियो देखी बल्कि एक लेक्चर के अंदर किसी दसन वाले ने दसिया कि एक छोटी सी बच्ची किताब पढ़ रही, छोटी सी बच्ची उन्हें किताब अपने सामने रखी है, बाकी हर कोई अपने काम अंदर लगा है, कोई सफर कर रहे हैं और माँ जरा बच्ची बैठी है और बच्ची ने किताब पकड़ी है, किताब रख करके बैठी है। ते बड़े हैरान हुए लोग, पूछने वाले पूछा माँ पढ़ो ए बच्ची छोटी जी को किताब पढ़नी आती है? उन्हें यार कितों पढ़नी आती, छोटी जी बच्ची है, इनू कदों पता है किताब का, किताब इनू कदों पढ़नी आती है? उन्हें आखिर फिर इतनी देर किताब पकड़ के क्यों बैठी है? उन्हें आख्या इस वास्ते कि मैं किताब पढ़ती रहती हूँ, मैं अक्सर मुताला करती रहती हूँ, तो मेरी बेटी मेरे वाल वेख के जिमें मैं करती हूँ उवें करती पई। हुण असीं की करना है, असीं किताब ते रखनी नहीं, साडा बेटा साडे नाल खेडना चाहता है, साडी बेटी साडे नाल गल्लबात करनी चाहती है, तो असीं इस चौधरी विच बड़े पए हां, असीं इत्थे हां, चल रही फेसबुक चल रही, ये हो रहा वो हो रहा, सारे बच्चे बेचारे साढ़े कोल बैठे मायूस हो रहे हैं, साढ़े साढ़े बच्चे साढ़े असी बाप कोल होने के बावजूद भी कोल नहीं होता, मां कोल होने के बावजूद भी कोल नहीं होती। जिसम साडा मौजूद है लेकिन सोच साडी फेसबुक विच है, अम्मा मौजूद है बच्चियां दे विच लेकिन अम्मा दी जड़ी सोच है और अंदाज है वह सारा जनाब नेट ते साढ़े बच्चे भी कहते हैं सानू मोबाइल दो, निके निके बच्चे फिर मोबाइल मांगते हैं, असी फिर मोबाइल उन्होंने पकड़ाने वो फिर उन्हीं पकड़ते हैं जिमें अब्बा जी पकड़ते हैं, वो फिर उन्हीं मोबाइल को पकड़ते हैं जिमें अम्मी जी मोबाइल पकड़ दिया ने, और फिर वो निके बच्चे की चलाना होता है मोबाइल का की पता मोबाइल का, वो भी फिर उन्हीं उंगला मारता जिमें अब्बा मारता है। अल्लाह ते दी वकार बच्चे जिहड़े ने वो सुनते नहीं होंगे, बच्चे समझते नहीं होंगे, बच्चे वेखते होंगे ने, जिमें कोई उन्होंने सामने करे बच्चे वो नहीं करते हैं। इस वास्ते सब तो पहले सानू बदलना पेगा, सब तो पहले सानू अपना आप ठीक करना पेगा। जो मैं ही नमाजी नहीं तो मैं पुत्र नमाज का कदों कहना है, जो वालदा ही नमाजी नहीं उन्हें अपनी बेटी को नमाज का कदों कहना है, जो मैं जाके कब्रां में सजदा करना है तो मेरे पुत्र ने ते आपे करना है। इस वास्ते सब तो पहला मैं बदला, सब तो पहला मेरे घर दे बदलन, फिर औलाद की तरबियत होएगी। लिहाजा औलाद की तरबियत का सब तो पहला उसूल है कि माँ बाप खुद दुरुस्त हो जान, पहला उसूल। ते दूसरा उसूल हज़रात मोहतरम, औलाद जदों भी मंगनी है रब कोलों मंगिया करो, औलाद का सवाल जदों करना अल्लाह की ज़ात कोलों करिया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह है कितने नबियां दे वाक़ियात कुरान पाक अंदर मौजूद ने। हर नबी जदों भी मंगता है रब कोलों मंगता है, कई नबी इंज दे भी ने जिन्ना अपनी दाढ़ी के बाल पकड़ करके रब को आख्या फस्ता अल्लाह शहीबा, अपने सिर के बालों को पकड़ के आख्या फस्ता अल्लाह शहीबा, अल्लाह होनी दे दे हुण ते मेरे बाल भी सफेद हो गए ने। हज़रात दी वकार पता लगा नबियां 85 साल तक अपनी जमीने न्याज और रब दे दरबार अंदर रगड़िया है, पर किसी दरबार ते जाके पुत्र नहीं मंगया, किसी धागे वाले को नहीं गए, किसी फूक वाले को नहीं गए, किसी दम वाले को नहीं गए, किसी तवीज वाले को नहीं गए, किसी काले तेदार बाबे को नहीं गए, किसी जनाब कब्रिस्तान वाले को नहीं गए। हज़रात दी वकार इस वास्ते जब तू खुद पक्का पीड़ा मुवाहिद होएगा फिर बच्चा तौहीद दी बरकत नाल अल्लाह ताला सोना अता करेगा, फिर तेरा बच्चा भी तौहीद वाला होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। लिहाजा दूसरा उसूल में औलाद जदों भी बल्कि मैं दूसरे उसूल नूं तीन हिस्सा करना, औलाद जदों भी मंगिया करो रब कोलों मंगिया करो, मैनू लगी है रोटी मौलवी साहब खा जा क्यों पई जाओ पता आती मैनू लोड़े दुआ मौलवी साहब करन क्यों तू क्यों नहीं करता तू कर खुद दुआ जिन्हें तू मंग सकदा है मौलवी साहब नहीं मंग सकदे क्योंकि तड़प तैनू तड़प मौलवी साहब नू नहीं और आपकी तड़प तैनू है ते जिन्हें तड़प वाला मंग सकदा है मैं दूसरा नहीं मंग सकदा इदा माना को बंदा ही ना लगे कि दुआ करवानी जायज नहीं दुआ करवानी जायज है उलमा को दुआ करवा लिया करो अल्लाह के नेक बंदे को करवा लिया करो लेकिन सारी पंड चुक के उलमा के सिर ते ना रख दिया करो आप भी दुआ करया कर आप भी रब को आखिया कर अल्लाह मेनू नेक साले बेटा दा फरमा दे अल्लाह अल्लाह बेटी देवे ना अच्छा रखना है। अल्लाह अकबर, मैं मेरे को पूरा उसूल बनना, मैं मेरे को पूरा मसला बनना, नाम कोई छोटी गल नहीं। सारी जिंदगी तेरे बेटे ने नाम तो ही बनाया जाना है, ते ना ही शिरकिया होया ते क्या फायदा। सारी जिंदगी तेरे बेटे ने नाम तो बताया जाना है, ते ना ही बेमाना होया ते की फायदा। इस वास्ते अपने बेटे का नाम सोना रखिया कर, खूबसूरत रखिया कर, अल्लाह के वलियां दे नामां दे नाम रखिया कर, सहाबा दे नामां दे नाम रखिया कर, सहाबियात दे नामां दे नाम रखिया कर, कुरान विच जलील दा नाम ले करके नाम रखिया कर, हदीस पाक विच चुन के सोने सिलेक्ट करके नाम रखिया कर। और नाम रखन लगिया माने दा ख्याल करिया कर, ओ माना ओ नाम रख जिदा माना भी चंगा होवे, माना भी सोना होवे। असी बात दफा कुछ जिदे नाम रख लैने आ, नाम ते बड़े सोने होंदे ने लेकिन उन्हां दा माना बड़ा अजीब जिहा हुंदा है। असी सिर्फ लफ्ज़ दा चुनाव करने आ, मैं जिदा ना रखा अपने पुत्र दा के पूरे फैसलाबाद जिदा नाम किसी दा ही ना होवे, कोई अनोखा जा ना रख लो, फिर ट्रैक्टर रख लो, किसी दा भी कोई नहीं है। ट्रैक्टर ना सोना है ना, किसी दा कोई नहीं, बलडोजर रख लो, बलडोजर भी किसी दा ना कोई नहीं। या छड्डो सारे जहाज रख लो, हैं राणा ही मुका। इनकी तमाशा भी ना होवे ना किसी दा, ऐ गल नहीं, नाम बामाना होवे, सोना होवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को दो नाम बड़े पसंद ने, केड़े केड़े? अब्दुल्लाह ते अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह ते अब्दुर्रहमान। मैं तादी से नेमत दी जिक्र करना चाहना, मैं जदों दी हदीस पढ़ी होई है ना, जदों दी हदीस पढ़ी होई है, मैं उदों दा अल्लाह नाल वादा कीता होया है, अल्लाह तू मैनूं जिन्ने बेटे देगा मैं सारियां दा नाम अब्दुल्लाह रखांगा। और तक अल्लाह ने मेरे तीन बेटे अता कीते ने, एक फौत हो गया, दो जिंदा, दोवां दा नाम अब्दुल्लाह है। अल्लाह होर देगा, उन्हां दा नाम ही अब्दुल्लाह ही रखया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐ साल 1.5 साल पहला डेनमार्क वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाके बनाए तौहीन की थी। मैं पूरे पाकिस्तान अंदर मुहिम चलाई, मैं कहा यार अल्लाह बेटे देवे उन्हां दा नाम तुसी मुहम्मद रखना है। मैं खुशी महसूस कर मैं इस गल अंदर, ऐसे मैनूं कई बंदे मिले ने जिन्हां आखिया मौलाना तुहाडी तकरीर तो बाद असीं वादा कीता सी अल्लाह ने बेटा दिता है नाम मुहम्मद रखिया है। मुहम्मद नाम भी रखिया जा सकता है, बाद बंदे कहते हैं कल्ला मुहम्मद नाम रखना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। क्यों जायज़ नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पैगंबर ने फरमाया सबको भी इसमी, मेरे नाम ते नाम रखिया करो, लिहाजा मुहम्मद नाम रखने अंदर कोई हर्ज नहीं। अहमद रख लो, अब्दुल्ला रख लो, अब्दुर्रहमान रख लो, बेटियां ते नाम भी सोने सोने रखिया कर, माना ते प्यारे प्यारे नाम रखिया कर। ये हो गया चौथा उसूल। पंजवां उसूल क्या है? जब तेरा बेटा बोलने जोगा हो जाए, जबान जोगा निकलन जोगा हो जाए ना, उदों अपना बेटा जिहड़ा है, अपना पुत्र जिहड़ा है ना, उहनूं 3 तरह दे आदाब सिखाने ने। 3 तरह दे आदाब, पहले नंबर ते बोलण दे आदाब, दूसरे नंबर ते खाण दे आदाब, तीसरे नंबर ते अल्लाह दी इबादत दे आदाब। सब तो पहला बोलण दे आदाब, अपने बेटे नूं सच दी ते झूठ दी पहचान करवाओ। सच क्या है, झूठ क्या है? बाप झूठ बोलेगा, पुत्र भी झूठ ही बोलेगा। ऐसा की आदत है अक्सर, बार बैल खड़की जनाब, बैल खड़की ते चौधरी साहब घरे बैठे ने, जरा दीदी माहौल अंदर ते पुत्र मेरा गुल 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 गुल, मैं पीछे मेरा कट बोलो। अच्छा, और बाहर जाता है पुत्र, वो कहना हाँ बेटा आपके अबू किधर है? वो कहता अंकल मेरे अबू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे अबू अब कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। और ऐसी आप भी झूठा से लाई जाने बच्चे को, सच के ना सीखना है। सच सिखा अपने बेटे को, सच सिखा बोलने की आदत अंदर, सब तो पहले पहचान करवा सच क्या है झूठ क्या है। बल्कि मैं इस चीज का भी कायल नहीं हाँ, अपने बच्चों ने इतनी ना आख्या करो एक चीज है तुसी नहीं लेके देनी, ना आख्या करो बेटा मैं आपको सुबह ले दूंगा अभी चुप कर जाओ। नो, बच्चे को झूठ देना ना, कल मेरा बेटा तेरे कहेगा बाबा झूठ बोल रहे हो, कल आपने वादा किया था, तेरे पुत्र को पता लग गया भी झूठ है नु कही दे रे, कल अब्बा जी ने आख्या सी करांगा ते आज अब्बा जी ने कीता, लिहाजा तेरे पुत्र को पता लग गया भी झूठ है कि बोली दा, लिहाजा जड़ी शह नहीं लेके लेनी, नहीं लेके लेनी, सच बोल ताकि तेरे बेटे को पता लगे सच क्या है झूठ क्या है। झूठा नारा भी अपने बच्चों को ना लाया कर, बल्कि मेरी हदीस भी है, प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को देखिया वो अपने बच्चे को बुला रही है, कहती है मेरा बेटा इधर आ, मैं तेरे खाने वास्ते कोई चीज देंगी, मेरे आका फरमाते ने बेटे को देनी हो कुछ है क्या, मैं नारा दाई जानी है, मैंने आका बाबू का वाकई कोई चीज खाने वास्ते अपने बेटे को देनी है, फरमाया जे तू चीज ना देती तेरे नाम आया माल विच झूठ लिख दिता जांदा। अल्लाह दे मोहतरम अपने बच्चों को सच से झूठ की पहचान करवा लो, बोलन दे अदाब अंदर सच से झूठ की पहचान करवा ले, मेरे ख्याल अंदर तेरा बेटा बोलन अंदर बिल्कुल बाका बन जाएगा। दूसरे नंबर पे अपने बेटे को खाने दे अदाब सिखाना, खान अंदर सब तो पहला अपने बेटे को हलाल ते हराम की तमीज सिखाना, हलाल की है हराम की है, मैं पूरी कोशिश करना अपने बच्चों को मैं खिलावा वो जरा अल्लाह के नाम का होवे, असि घरे अपने बच्चों को गैर अल्लाह के नाम का खिलाते नहीं, लेकिन सारे बच्चे बाहरों टाफियां ले करके खा जाते हैं, बच्चे बाहरों जनाब पता नहीं की चीज़ां ले करके गैर अल्लाह के नाम दियां खा लेते हैं। अपने बेटिया को पाबंद कर, बेटा कोई चीज देवे ते पहली गल लैनी कोई नहीं, जरा मर्जी चीज पकड़ाई जावे उसकी गल ते पता नहीं लगना, अपने बेटिया को सख्ती नाल मना कर पुत्र बाहर किसी को कुछ भी लैके नहीं खाना, बेटा जी जो चाहिए है मैं तेरा बाप तेनू लिया करके देवांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। मेरा बड़ा बेटा ना अब्दुल्ला ए भाई मेरे बैठे ने मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ते फकीर आ गया बाजार सन, फकीर आ गया मंग रहा है ते ए देन लगे ए गल नहीं मेनू सुनाई ते ए देन लगे ओनु कुछ ना ते ओ रुक, मेरा बेटा कहने लगा ताया जी रुक जाओ, पहले से पूछो ये किसके नाम का मांग रहा है, अगर अल्लाह के नाम का मांगे तो हम देंगे, अगर अल्लाह के नाम का मांगे तो हम नहीं देंगे। अपने बेटे को पहचान करवा, हक सच दी झूठ दी हलाल दी हराम दी पहचान करवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह दो गल्लां ते तीसरे नंबर ते अपने बेटे नूं अल्लाह दी इबादत दे आदाब सिखाओ, बेटा रब दे सामने किवें खड़े होईदा है बेटे नूं सिखाना की है, बेटे नूं विखाया कर तू जिवें नमाज पढ़ेगा तेरा बेटा भी उवें ही पढ़ेगा, तू थोड़ी पढ़ेगा तेरा बेटा भी थोड़ी पढ़ेगा, तू जल्दी जल्दी पढ़ेगा तेरा बेटा भी जल्दी जल्दी पढ़ेगा, तू तसल्ली नाल पढ़ेगा तेरा बेटा भी तसल्ली नाल पढ़ेगा, तू सिर ते टोपी लेके बादल हो के पढ़ेगा तेरा बेटा भी सिर ते टोपी लेके बादल हो के पढ़ेगा। अल्लाह की कसम है नमाज दे विच एक एक इशारे ते तेरा बेटा तवज्जो करदा है। तुसी कदी तजर्बा करया ते अपने बेटे नु ले जाओ ना मस्जिद दे अंदर, तुहाडा बेटा तुहाडी एक एक नकलो हरकत नु गौर नाल देखेगा, हत्ता के तजर्बा करया जे तुसी तशहद अंदर बैठ के गैर करके उंगली हिलाओगे तुहाडा बेटा भी अपनी निक्की जी उंगली ही हिलाएगा, इत्थों तक तेरा बेटा तेरी कट करेगा, इत्थों तक तेरा बेटा तेरी कापी करेगा। इस वास्ते अपने बच्चों को नमाज ते लगाओ, छोटियां होंदियां नमाज उन्हां दी आदत बनेगी, बड़े होंदियां नमाज उन्हां दी इबादत बन जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी जेहड़ी मस्जिद है ना जामिया मस्जिद मक्का अहले हदीस अंदर सुबह शाम बच्चे पढ़न आते हैं ते कारी साहब जेहड़े ना वह उन्होंने पंजा नमाजा की तरकीन करते हैं, एक रजिस्टर बनाया उन्होंने बच्चों की हर नमाज ते असीं हाज़री लाने फिर एक महीने बाद ना असीं एक छोटा जिहा प्रोग्राम रखने वे जिन्हें ज्यादा नमाजा पढ़िया हो किसी को एडा वाला कप दे दिता, जिन्हें घट पढ़िया। इस दफा मैंने पूछण लगे दादी हुण ऐप की आपां की करिए, मैं आख्या यार आपां इंज करने आ फी नमाज 1 रुपया रख देने, जिन्हें 5 पढ़िया 5 रुपये लै जाएगा, जिन्हें 10 पढ़िया 10 रुपये लै जाएगा, जिन्हें कर, शादी कर, कपड़ों में का इंतजार न कर, शादी कर, किसी नौकरी का इंतजार न कर, शादी कर, बच्चा जवान होता जाए फौरन शादी करो, बेटी जवान होती जाए फौरन निकाह करो, फौरन शादी करो। मैं तो सादे लफ्ज़ों में कह देना माओ, जिनको समझ आ जाए तो कर ठीक है, जितना समझ आवे तो कुछ हो जाए बापियां को जाके, जिन्ना दिया 60 साल पगड़ियां जमीन से डिग गई ने, जिन्ना दिया 90 साल जिंदगियां दा इवज बर्बाद होके रह गया है। मेरे ते यकीन नहीं करता ते कुछ उन्हां दे कोलो जिन्ना भरावां दे नक कट गए ने, जिहड़े बाजार विच तुरन जोगे नहीं रह गए। तू समता वेखदा फिरना है, इत्थे इज्जतां लुटदियां फिरदियां ने, तू टपलोवे इकट्ठे करदा फिरना है, इत्थे 90 साल बाबे बिचारियां दियां कबरां टुट के रह गईयां ने, कई मर गए ने शर्म दे मारे कबरां दे विच पै गए ने। इस वास्ते दिन तो रात ना पैण दे, रात को दिन ना पैण दे, फौरन शादी कर दे। आखिरी उसूल है हजरत दी वकार, अगर जिंदगी दे अंदर तू मर जाएगा तेरे मरन तो बाद जिहड़ी विरासत तकसीम होएगी ओदा कुरान अंदर सीधा सीधा मसला मौजूद है। जिन्ना हिस्सा बेटे को मिलेगा ओदे तो अद्धा बेटी को मिलेगा, ते जे तू अपनी जिंदगी दे विच जाना है तकसीम करे, ओनू विरासत भी कहा जाएगा, ओनू हिबा किया जाएगा। ओदा तरीका है वे, अगर बेटे एक को दुकान दी है, चार बेटे ने ते चार बेटे को दुकान दे, चार बेटियां ने ते चार बेटे को दुकान दे। अक्सर यूं होता है असि कहने आ मेरा पुत्र मेरियां लत्तां बड़ियां घुटदा रही है, आ मेरा पुत्र मेरे सिर दी बड़ी मालिश करदा रही है, इहनू मैं दो दुकानां देआंगा, आ मेरा पुत्र गुस्ताख है, इहनू मैं देना ही कुछ नहीं हुंदा। की है ओही पुत्र जिहनू असि मूंह चों गुस्ताख कहने आ, ओ फिर गुस्ताखियां ते उतर आंदा है, ओ गुस्ताखियां करन लग जांदा है। साडा गलत फैसला साडी औलाद नू साडे किरबान पकड़न ते मजबूर कर देंदा है, साडीआं गलत पॉलिसियां साडी औलाद वास्ते नुकसान दे बनदियां ने। अगर अपनी जिंदगी दे अंदर अपनी औलाद दे दरमियान कुछ तकसीम करना चाहना है, कुछ तो मुराद की है, कुछ तो मुराद पैसे लाल है, कुछ तो मुराद जायदाद लाल है, बल्कि कुछ तो मुराद प्यार भी लाल है। मैं ते भी कहना वा औलाद दे दरमियान प्यार भी वंडिया कर ते इंसाफ नाल वंडिया कर, प्यार भी वंडिया कर ते इंसाफ नाल वंडिया कर। ये ना होवे एक नाल बहुता प्यार करे उस प्यार तेरा को सारा कुछ दे देवे ते बाकियां नु महरूम कर देवे, तेरी जिंदगी के अंदर ही तेरे नुकसान हो जाएगा, तेरा बेटा तेरा नाफरमान हो जाएगा। बराबर तकसीम कर। मेरे पैगंबर दे कोल एक शख्स आया, उन्हें आखा जी तुसी गवाह बन जाओ, मैं अपने इस पुत्र को जमीन का फलान टुकड़ा दे दिता है। फरमाया होर भी पुत्र है गए ने, उन्हें आखा जी है गए ने, पर मैं उन्होंने भी दिता ही आखे नहीं दिता, पर मैं चल चला जा जुल्म ते काम करे ते गवाही मुहम्मद दी लेना चाहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तेना इना टुकड़ा अपने सारी औलाद को दे गया, मैं फिर तेरी गवाही देंगा। एक बेटे को देना बाकियां को महरूम करना एक जायज नहीं, एक दुरुस्त नहीं। और गुस्ताख है तेरा पे रब को सजा पाएगा, तू का तो कलमा फेरी जाना, तू का तो कहना कि मैं महरूम कर देना, ये महरूमी तेरे वास्ते नुकसान दे बन जाएगी। हजरत ज़ीवकार के उसूल ने मैं कसम चुक के कह सकना, अगर इन्हां उसूलां दे मुताबिक असी अपनी औलाद की तरबियत कर लईए इंशाअल्लाह, फिर सारे बेटे आबद बननगे, फिर सारे बेटे कारी बननगे, फिर सारे बेटे आलिम बननगे, फिर सारे बेटे एडवोकेट बननगे, फिर सारे बेटे वकील बननगे। तो जे इन्हां तो हट के किसी होर हिसाब नाल तरबियत करनी है तो फिर कर लो, तो फिर वकील नहीं बननगे, पायलट भी नहीं बननगे, ते अलबत्ता जहाज जरूर बन जाएंगे। हैं फिर जहाज बनेगा पुत्र ला के सूटा उड़ेगा, फिर ऐस कंध च वजेगा, वो तो फिर सूटा पड़ेगा, फिर उस कंध च वजेगा। ये हुण तारी मर्जी है भी वकील बनाना है, हाफिज बनाना है, कि कारी बनाना है, कि जहाज बनाना है, दोवें तरीके तुहाडे सामने ने। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।